अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेकिंग एंड कुकिंग विद मी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जी, तो आज की हमारी रेसिपी फ्रूट ट्राइफल की है, तो चलें उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मेरे पास 4 टेबलस्पून कस्टर्ड है और 1/2 कप मैंने पानी लिया है, ये नॉर्मल वाटर है। 1 कप मैंने शुगर ली है, ये नॉर्मल चीनी है, मीन्स पीसी हुई चीनी नहीं है, दानेदार चीनी है। 1.5 लीटर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दूध लिया है और उसको मैंने बॉयल्ड होने के लिए छोड़ दिया है। जब इसमें एक उबाल अच्छे से आ जाएगा तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, और इसमें ऑलमोस्ट एक उबाल आ चुका है तो मैं इसमें अब शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें चीनी डाली है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप डाली है, अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 4 चम्मच मैंगो कस्टर्ड है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका अच्छा सा लिक्विड बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने 1/2 कप लिया था और जितना रिक्वायर्ड है हम उसको ले सकते हैं, और इसको मिक्स करते जाएँगे इसी तरह से और फिर इसका अच्छा सा लिक्विड बना लेंगे। और मैंने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो अपने पसंद का कोई भी फ्रूट फ्लेवर में कस्टर्ड ले सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी मामा की तरफ आई हुई हूँ और मैं गिर गई थी, जिस वजह से मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया। आप लोग प्लीज़ मुझे दुआओं में याद करिए, मैं इंशाल्लाह जैसे ही रिकवर हो जाऊँगी तो मैं अपने शूट पर दोबारा उसी तरह से कंसंट्रेशन करूँगी और मेरी वीडियोस इंशाल्लाह डेली अपलोड होंगी। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिए, थैंक यू सो मच। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो अच्छे से तैयार हो गया है और चीनी भी अच्छे से दूध में घुल गई है, और अभी हम दूध भी अच्छे से उबल चुका है, अभी हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। दूध बॉईल हो चुका है, इसकी आंच थोड़ी सी स्लो कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने दूध को कर दिया है। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, लिक्विड कस्टर्ड जो मैंने बनाया था वो। थोड़ा थोड़ा करके हम अपना कस्टर्ड इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पर रखना है, इस टाइम पर हमने अपनी फ्लेम को हाई नहीं करना, और आहिस्ता आहिस्ता हम चम्मच चलाते जाएंगे और कस्टर्ड इसमें ऐड करते जाएंगे। पूरा कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया है और दूध को हमने तब तक पकाना है जब तक हमारा अच्छे से कस्टर्ड पक ना जाए और गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, अगर आप लोगों को लगे कि कस्टर्ड थोड़ा कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों को पतला लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा कस्टर्ड और लेकर उसी तरीके से इसका लिक्विड बनाएँ और फिर इसमें ऐड करें। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमेशा कस्टर्ड को लिक्विड बनाकर लिक्विड फॉर्म में दूध में ऐड करिएगा, कभी भी उसको डायरेक्ट दूध में नहीं ऐड करना वरना उसकी गिल्टियाँ बन जाएंगी और उसको मिक्सिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जी, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से चला रही हूँ और इसका गाढ़ा होने तक वेट करूँगी। इसको अच्छे से हमने पका लेना है, जब पूरा कस्टर्ड अच्छे से डन हो जाए तो हम इसको उतार देंगे और इसको हमने कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि अच्छे से हमारा जो कस्टर्ड है वो पक जाए। और यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है और ये डन है, मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है और इस पानी को मैं उबालने के लिए रख रही हूँ, इसको मैं जेली बनाऊँगी। यहाँ पर इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और अभी मैं इसमें स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर रही हूँ, 1 सॉशे पूरा। मैंने पूरा 1 पैकेट इसमें स्ट्रॉबेरी जेली का लिया है, वो इसमें डाल दिया है। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग कोई और फ्लेवर इसमें जेली का लेना चाहें तो आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और इसको मैं हिला दूँगी और अच्छे से इसमें 1-2 मिनट के लिए इसको उबालूँगी और यहाँ पर हमारी जेली जो है वो तैयार है। और अभी यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, उसमें मैं जेली का जो लिक्विड है वो डाल रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट या फिर कह लीजिए 15 मिनट में हमारी जेली जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो ये जम जाएगी। और अगर आप लोग चाहें तो इसको आइस क्यूब की ट्रे में भी डाल सकते हैं, ये आपकी जेली फिर ये हुआ कि क्यूब्स की शेप में बन जाएगी, उसको कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर मैंने जो जेली ली है इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो अभी यहाँ पर मेरे पास असम्बलिंग की चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को जेली दिखा दूँ। जेली मैंने रखी थी ठंडे होने के लिए, वो ठंडी हो चुकी है, जम गई है। अभी मैं उसको नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ और उसको क्यूब्स कर लूँगी स्क्वायर शेप में। और अगर आप लोग चाहें तो डिफरेंट शेप्स के कटर्स मिलते हैं, उनको यूज़ करके इनके अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, मैं मामा की तरफ आई हुई हूँ, तो यहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं वही चीज़ें यूज़ करके रेसिपी बना रही थी। यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट है जिसको मैंने कटर से फ्लेक्स बना लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप अंगूर हैं, काले अंगूर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। और केले हैं, मैंने तकरीबन 12 से 13 केले थे जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और सेब लिए थे मैंने, ऑलमोस्ट 3 सेब लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। आप लोग कोई भी फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, मैंने ऑलमोस्ट 1 कप क्रीम ली है। और यहाँ पर मेरे पास केक है, फ्रूट केक भी आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, मैंने मार्बल केक लिया है। और यहाँ पर जी कस्टर्ड जो मैंने रखा था ठंडे होने के लिए, वो अच्छे से हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है। अभी हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। मैंने एक बोल लिया और उसमें सबसे पहले मैंने केक के पीसेस करके इसमें डाल दिए। आप लोग अगर चाहें तो फ्रूट केक भी ले सकते हैं, मैंने मार्बल टी केक यूज़ किया है। और इंशाल्लाह आपको मार्बल टी केक की रेसिपी भी जल्दी दूंगी। और यहाँ पर अभी मैं इसमें अपना मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है, ठंडा होना चाहिए सब कुछ, फिर आप लोगों ने इसकी असेंबलिंग करनी है। यहाँ पर अभी मैं इसमें अब फ्रूट्स ऐड करूँगी। मैंने सबसे पहले सेब लिए हैं और सेब की एक लेयर इस पर लगा दी है। आप लोग कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, जो आप लोगों को पसंद हो। मेरे पास यहाँ पर मैंने केला और सेब और काले अंगूर लिए हैं, जिनको मैंने इसमें एक एक लेयर सबकी डाल दी है। और अभी मैं इसमें क्रीम ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर नॉर्मल क्रीम यूज़ की है, ये व्हिप्ड क्रीम नहीं है। और इसको मैंने जस्ट हल्का सा मिक्स कर लिया था चम्मच की मदद से, तो इसको मैंने बीट भी नहीं किया। अभी मैंने इसके ऊपर चॉकलेट फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। चॉकलेट फ्लेक्स मैंने कटर की मदद से चॉकलेट बार से बनाए हैं। यहाँ पर अभी हम सेकेंड लेयर लगाएंगे। इसी तरीके से मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया है और सेम प्रोसेस हम इस पर दोबारा करेंगे। इसके ऊपर बाकी इसी तरह से चीज़ें ऐड करते जाएंगे। फिर से मैं इसके ऊपर फ्रूट्स की एक लेयर डाल रही हूँ, सेब और केले। उसी तरह से मैं इसकी एक एक लेयर लगाऊंगी। अच्छा, इन चीज़ों में मैंने 2 बोल बनाए थे। और अगर आप लोगों ने कम ज़्यादा करना हो तो आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगेन केक की एक एक पीसेस इस पर रख रही हूँ और रैंडमली मैं इस पर रख रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सब चीज़ें साथ साथ हों, आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसकी असेंबलिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। यहाँ पर मैंने फिर जेली ली है, जेली के मैंने पीसेस इसके ऊपर रख दिए हैं। और जेक डेकोरेशन इसकी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आप अपनी मर्ज़ी से इनकी लेयर्स को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर अभी हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं। मैंने सब जेली ली है, स्ट्रॉबेरी जेली जो कि मैंने बनाई थी, उसके मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और अभी मैं उसको कस्टर्ड के ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, जेली लगाने के बाद मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं। मेरे पास काले अंगूर हैं जो कि मैं उसमें अब काले अंगूर लगा रही हूँ। और इसकी डेकोरेशन फ्रेंड्स आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी से चाहें। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो इसकी आप उस तरह से डेकोरेशन करें और बच्चों को बनाकर खिलाएं। फ्रेंड्स, बच्चे अक्सर फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन जब आप उनको इस तरीके से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत शौक से फ्रूट्स भी खाएँगे। और यहाँ पर मैं इसमें अगेन अपने जो केक्स हैं, मार्बल केक्स मैं इस पर लगा रही हूँ, उनको मैंने अच्छे से कट कर लिया था। और यहाँ पर अगेन मैं एक थोड़े से ऊपर से चॉकलेट फ्लेक्स लगा रही हूँ। चॉकलेट फ्लेक्स मैंने चॉकलेट बार लिया था और यहाँ पर मेरा डार्क चॉकलेट बार है मेरे पास, उसको मैंने कटर से इस तरह से उसके फ्लेक्स बनाए थे और उनके ऊपर ये ऐड कर दिया। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसमें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। वाइट चॉकलेट चाहिए तो वाइट चॉकलेट भी इस पर लगाई जा सकती है। और क्रीम से, फ्रूट से, जेली से, जिस तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर उस तरह से असेंबलिंग कर सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारी डेकोरेशन है वो ऑलमोस्ट डन है। आप लोग प्लीज़ इसको बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं जैसे ही रिकवर होती हूँ मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियोस इसी तरीके से अपलोड करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बची थी तो मैंने उसको इसके ऊपर लगा दिया है। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।